गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में हम आप सब लोगों को आज सूरज भांजी के इस फार्म हाउस के ऊपर लेके आए हैं, जहां आप लोगों को मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। और आज हमारे साथ कृषक उत्पादक संघ युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए आई हैं। वो भी किस प्रकार ये प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, अब हम फार्म हाउस के अंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिम टाइम में और इस वर्मी कंपोस्ट को बनाने का काम किया है। ये आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर गांववाणी स्टूडियो के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोगों को हम मशरूम के बारे में आज बानसूर में सूरज भांजी का जो फार्म हाउस है वहां पर हम अपनी टीम के साथ आए हैं। और आप यहां देख रहे हैं कि दिल्ली के मंडी में ये इनका प्रोडक्शन कल जाएगा, इनकी पूरी टीम के साथ किस प्रकार इस प्रोडक्शन को किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम लाइव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और हमारे साथ नाबार्ड से आज एक टीम भी विजिट करने के लिए इनके फार्म हाउस पे आई है, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो कुछ मेंबर्स हैं वो भी इस प्रोडक्शन को यहाँ देखने के लिए आए हैं। और मैं बता दूं कि ये जो फार्म हाउस है वो सूरज भांजी का है और उनकी जो मिसेज है वो हमारे इस एफपीओ में मेंबर भी हैं। मिलकर ये दोनों लोग इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार ये तीसरा वर्ष है इनका जब ये इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। सूरज भांजी से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनके मुंह से उनके खुद के इस एक्सपीरियंस को हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उनकी पूरी टीम लगातार इस प्रोडक्शन के इस काम को लगातार कर रही है। तो हम इस गांववाणी स्टूडियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मशरूम उत्पादन को आप लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। ये देखा कि किस प्रकार मशरूम का ये पैकिंग का काम यहाँ पर सूरज भांजी के इस फार्म हाउस पे, सूरज भांजी खुद अपने इस फार्म पर किस तरह अपने साथी लोगों के साथ ये पैकिंग का काम कर रहे हैं। और आज इनका जो प्रोडक्शन हुआ है ये पैक करके और ये दिल्ली की मंडी में यहाँ से प्रोडक्शन ये चला जाएगा। ये किस प्रकार पैकेजिंग का जो काम है उसे सूरज भांजी लास्ट फेज में इस तरीके से पैक करके और आपको इनका जो प्रोडक्शन है वो इस तरह पैक्ड मिलेगा। वो कैसे बनता है उस चीज़ को भी हम यहाँ आप लोगों को लाइव इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखो किस प्रकार ये इसे कंप्लीट कर रहे हैं, वो प्रोसेस का मोड आप लोगों तक यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से पहुँच रहा है, कैसे रोल करके और इसे पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इसे मार्केट तक भेजा जाता है। ये अलग अलग लगभग 200 से 250 ग्राम की लगभग कितने पैकिंग है सर, ये 200 ग्राम का ये एक पैकिंग का पार्ट है और इस तरह पैकिंग के रूप में भी मार्केट में इस चीज़ को बेचा जा रहा है। और हम बता दें कि युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में सूरज भांजी की जो मिसेज हैं वो मेंबर हैं और इस तरह ये पैकेजिंग का काम इनके द्वारा इस तरह पोलोथीन बनाकर भी बेचा जा रहा है। और अब की बार बानसूर में भी जो स्टॉल लगाई जा रही है उसमें ये 200 ग्राम आधा किलो एक किलो या जिसमें भी विवाह या ऐसे प्रोग्राम्स हों वो कॉन्टैक्ट करें सूरज भांजी के फार्म हाउस पे आके जो श्यामपुरा में स्थित है। उनके मोबाइल नंबर हम आपके साथ इस वीडियो के अंत में साझा करेंगे और साथ में आप युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के स्टॉल्स पे आकर भी या फिर गाँव की हाट एप्लीकेशन पे ऑनलाइन भी आप इसे खरीदने के लिए बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि सूरज भांजी ने अपना फार्म हाउस किस प्रकार स्टेबल किया हुआ है और वहाँ कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। फार्म हाउस में अंदर की तरफ आ गए हैं, आप ये देख रहे हैं कि बटन मशरूम किस प्रकार जो ये बटन जो मशरूम हमें दिखाई दे रहा है तो इसके जो बटन्स हैं उनको हम अगर देख रहे हैं तो मोती की तरह ये चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारी जो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज सूरज भांजी के इस फार्म हाउस पे आए हैं और हम जानना चाहेंगे सूरज भांजी
हनुमान जी से वो अपने मिसेज के साथ जो हमारे इस एफपीओ की मेंबर हैं उनको भी अपने साथ रखकर और इस फार्म हाउस में देखिए इन्होंने किस प्रकार छोटे ट्रे के रूप में एक लकड़ी के जो बांस हैं बांस को एक रो के रूप में ऐसे व्यवस्थित किया है। ये पूरा फार्म हाउस आप देख रहे हैं, लगभग अगर हम इसको स्क्वायर फिट की बात करें तो लगभग 60x70 के समथिंग का ये पूरा का पूरा इनका फार्म हाउस है। जो भी किसान भाई इस प्रकार का नवाचार करना चाहते हैं वो हमारे सूरज भान जी के इस फार्म हाउस पे आके और उनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बहुत से किसान यहाँ आकर और इनसे ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं और इस काम को सीख भी रहे हैं। ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 3 वर्षों से लगातार ये इस प्रकार का वर्मी कंपोस्ट का यूनिट सेटअप करके और ये काम कर रहे हैं। आज हमें खुशी हुई लगातार इस 3rd वर्ष में इनके इस फार्म हाउस पे आकर और हमने इस कार्य को यहाँ पर देखा और ना सिर्फ देखा इस उत्पादन के पहले प्रोडक्शन को भी हमने कैप्चर करने का मौका मिला। तो चलिए आप लोगों को हम साझा करते हैं उनके खुद के श्रम के अनुभव और ये हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो एफपीओ के हैं उन्होंने खुद ने भी इस प्रोडक्शन को तोड़ते हुए किस प्रकार इसका प्रोडक्शन होता है, कैसे इस चीज़ को बनाया जाता है, इसको पैकेजिंग का जो काम होता है और तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लाइव आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सूरज भान जी किस प्रकार इस मशरूम के प्रोडक्शन को यहाँ से बारी बारी करके एक एक कर तोड़ कर चुनकर और इस तरीके से पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नाजुक तरह से इसकी खेती की जाती है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे लेवल पर इनके फार्म हाउस पे हमने देखने को मिला। तो आप लोगों को हम सूरज भांजी से रूबरू कराएंगे और विशेषकर हमारे इन एफपीओ के मेंबर्स को और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सूरज भांजी को कि इन्होंने अपने फार्म हाउस पे महिला सशक्तिकरण का भी एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर बाकी जो महिलाएं भी जुड़कर इनके साथ इनकी मिसेज के साथ जुड़कर इस काम में हाथ बटा रही हैं और इस पूरे काम को लाइव हमारे एफपीओ की मेंबर्स ने भी देखा। तो चलिए हम अनुभव साझा करते हैं इन लोगों के खुद के मुंह से और खुद की जुबानी की कैसे इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सूरज भान जी सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता देवी। सुनीता जी, हम जानना चाहेंगे हमारी गांववान स्टूडियो के इस खेती किसानी कार्यक्रम में आज हम आपके इस फार्म हाउस पे हैं, तो ये जो आपने बटन मशरूम की जो खेती की है ये कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं और ये जो आप ये बटन मशरूम तोड़ रहे हैं तो उसके बारे में हमारे इन किसान भाइयों को बताएंगे कि ये प्रोडक्शन आप कितने दिन से कर रहे हैं और किस प्रकार ये प्रोडक्शन आपका कहां पर आप लोग बेच रहे हैं और ये ट्रेनिंग आप लोगों ने किस प्रकार ग्रहण की उसकी हम जानकारी जानना चाहेंगे। कृषि विज्ञान से हमने इसकी ट्रेनिंग ली और ये हमने तैयार किया कंपोस्ट तैयार करके इसमें 40 दिन बाद में हमने मशरूम तैयार की। ये मशरूम जो आप तोड़ रहे हैं हाँ, उसे लगाने के लिए क्या क्या चीजें आप लोगों ने तैयार की थी और उसके बाद ये मशरूम बनी, उसके लिए शुरू से हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या काम आप लोगों ने किया उसे आप बताओ। इसमें पहले हमने तूड़ा इकट्ठा किया, बिल्कुल, फिर तूड़े को हमने गलाई की, गलाई किर करके और फिर हमने इसका कंपोस्ट ये तैयार करके फिर इसमें हमने रैक बनाई, रैक बना करके इसमें खाद डाला, खाद के ऊपर केसिंग किया, केसिंग करके फिर ये हमने मशरूम तैयार की। ये जो केसिंग जो आपने बनाई उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ऊपर आपने ये जो खाद बताया कि तूड़े को आपने कंपोस्ट के रूप में तैयार किया, तो ये जो इसमें ये मशरूम जो लगाने हैं उसका कोई बीज आता है या क्या करना पड़ता है? ये हमने बीज मंगाया जयपुर से। अच्छा, जो इसका इस हाँ, ये, जो आता है हाँ, ये बीज मंगाए जयपुर से और इसको बीज को इस तूड़े में मिला करके हमने इसको तैयार की। अब ये जो आप मशरूम जो पहला प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशरूम का जो आपने स्पाम इसमें लगाया उसके बाद कितने दिन में ये मशरूम 40 दिन में ये प्रोडक्शन देने लग जाता 40 है 40 दिन बाद में। अब ये मशरूम आप जो तोड़ कर कहाँ पर बेचते हैं? ये जयपुर भी जाती है, दिल्ली भी जाती है, गुड़गांव भी चल जाती है, भैरोड भी, नारनौल भी। बहुत बढ़िया, तो ना सिर्फ आप लोगों को एक रोजगार का जरिया मिला है, आप बाकी किसान भाइयों को और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? इसमें रोजगार कराएंगी
बिल्कुल रोजगार तो रोजगार तो है ही अपना, और इसमें लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि बाकी महिलाएं इस काम को किस प्रकार कर सकती हैं, अगर वो करना चाहें तो क्या आसानी से कर सकती हैं? हाँ, कर सकती है आसानी से। धन्यवाद, आपने हमारे इस गांववाणी चैनल के माध्यम से और महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए इस वीडियो को साझा किया, और मैं विशेषकर सूरज भान जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण एक स्वयं अपने परिवार से उन्होंने अपनी मिसेज को ये काम सिखाया और साथ रखकर उन्होंने ट्रेनिंग प्रदान की, और आज ये कितना बढ़िया स्तर से इन्होंने अपना फार्म हाउस सेटअप किया है। इस लेवल के फार्म हाउस को सेटअप करने के लिए कई लाखों रुपए खर्च होने के साथ साथ लोग इतना बढ़िया प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने ठोकर खा के चीजें सीखी, लगातार प्रयास किया, हौसला नहीं हारे, और उसी की बदौलत आज ये इनका फार्म हाउस बहुत ही अच्छे लेवल पे विकसित हुआ है। हम सूरज भान जी से भी बात करना चाहेंगे कि सूरज भान जी, आप भी बताएं कि कैसे आपने अपनी मिसेज को इस काम में साथ जोड़ा और टीम बना के आज 8 से 10 महिलाओं को आपने अपने फार्म हाउस पे रोजगार दिया, जिससे कि ना सिर्फ रोजगार का एक सृजन हुआ गांव में, साथ में महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार सूरज भान जी। नमस्कार जी। गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आज हमें खुशी हुई कि किस प्रकार आपने इस अपने छोटे नवाचार में खेती में नवाचार करते हुए अपनी मिसेज को, अपनी अर्धांगिनी को किस प्रकार इस काम में जोड़ा। आज हमने देखा कि कैसे आपके फार्म हाउस पर ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण हमने अपनी इस गांववाणी स्टूडियो के इस खेती किसानी कार्यक्रम में आज हमें शूट करने को मिला। तो मैं जानना चाहूंगा कैसे संघर्ष करके और आपने अपनी मिसेज को इस काम में जोड़ा और आज वो बाकी महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर और वो आगे बढ़ रही है। नमस्कार जी। 3 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र से हमने साझा ट्रेनिंग ली है, वहाँ से मशरूम उगाना सीखा है, और 3 साल से हम काम कर रहे हैं। करीब 10 महिलाएं और पुरुष को यहाँ रोजगार मिल रहा है, और अच्छा मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है। केवी के बांसुर से हमने ट्रेनिंग प्राप्त करी। बिल्कुल सर। और स्पॉन हमारा जीवन मशरूम से आता है। बिल्कुल सर। 28 दिन में कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसमें स्पॉन मिलाने के 20 दिन बाद केसिंग करते हैं, केसिंग करने के 20 दिन बाद में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। हाँ जी सर। मैं जानना चाहूंगा सर कि ये जो प्रोडक्शन है उसके लिए मार्केट लिंकेज के लिए हमने युवा जागृति एफपीओ के माध्यम से भी कोशिश की है, और अब की बार आप महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण आपने बाकी महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया, और विशेषकर आपकी अर्धांगिनी मिसेज को भी आपने इस काम में जोड़ा है, और हम चाहेंगे कि सर नाबार्ड भी इस प्रकार के काम में सपोर्ट करे, और विशेषकर महिला अधिकारिता विभाग में जो आईएम शक्ति योजना के तहत जो एप्लीकेशन लग रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं महिला अधिकारिता विभाग से हम आग्रह करेंगे कि इस प्रकार का जो जीता जागता नवाचार जो आंखों के सामने इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने आरंभ करके और इस काम को आगे बढ़ाया, अगर इनको इस तरह की आर्थिक सपोर्ट एक लोन के रूप में अगर नाबार्ड या बाकी डिपार्टमेंट अगर इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो इस प्रकार के छोटे किसान अपने आप को एक व्यवसायी, एक उद्यमी के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। सर हमारा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, हम यही आग्रह करना चाहेंगे बाकी डिपार्टमेंट से कि ये जो किसान आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये जीता जागता एक उदाहरण है प्रगतिशील किसान का, और मैं सूरज भान जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि कैसे आपने हर विभाग को, हर किसानों को अपने इस नवाचार के बारे में आपने जागरूक किया है, क्योंकि बहुत से फार्म पे हम जाते हैं तो पता चलता है कि लोग जानकारी साझा नहीं करते इस बात के लिए कि कोई दूसरा ना सीख जाए, लेकिन आपने हमेशा सीख कर सिखाने की बात को लगातार किया है। अब मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि कैसे आप इस फार्म हाउस को मेंटेन करते हैं, इसमें जो मॉइस्चराइजेशन है उसके लिए आपने देखा है कि यहाँ सामने एक मीटर लगा हुआ है, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सर इसका टेम्परेचर वगैरह आप कैसे कंट्रोल करते हैं, पानी इस तरीके से इस चीज को मैनेज करते हैं? पानी छिड़क कर इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। बिल्कुल सर। ह्यूमिडिटी कम आ रही है तो हवा में फवारा मारो। ओके। और ह्यूमिडिटी सही हो जाएगी, या इस गैलरी में पानी डाल दो। ओके। वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है सर, ये काम। बाकी और सर विशेष ऐसे कोई प्रगतिशील किसान जो मशरूम की खेती करना चाहें तो उन्हें और क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? कोई भी किसान आए यहाँ मशरूम लगाना सीखे, फ्री सेवा है उनकी। बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है,
कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकता है। हम उनको जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है सारी जानकारी उनको शेयर कर देंगे, और जो भी किसान मशरूम लगाना चाहे वो संपर्क कर ले, जरूर कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद सर। इसी प्रकार के प्रगतिशील किसानों की कहानी को हम इस गांववाणी स्टूडियो के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों के साथ साझा करते रहे और करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले खेती किसानी कार्यक्रम में गांववाणी स्टूडियो के थ्रू। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे और शुभकामनाएं देंगे हमारे प्रगतिशील किसान सूरज खान जी को कि उनके द्वारा किया गया ये जो नवाचार है ऐसे नए इस आयामों को छूते हुए आगे की ओर बढ़े। धन्यवाद।